नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी ये कहाँ आ गए हम, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। अमृता का फोन आया था। खाना खाते हुए मैंने बताया, एनीथिंग स्पेशल, उसके पापा ने पूछा। हाँ, स्पेशल ही समझ लीजिए, कल हफ्ते भर के लिए जापान जा रही है। जापान जा रही है बच्चों को छोड़कर? इनके स्वर में घोर आश्चर्य था। बच्चों को तो पहले से ही छोड़ा हुआ है, जापान जाए या जर्मनी क्या फर्क पड़ता है। फोन तो यह बताने के लिए किया था कि इस वीकेंड पर बच्चों को नहीं ले जा सकेंगे। क्यों, कार्तिक भी जा रहा है क्या? वो तो नहीं जा रहा, पर अकेले बच्चों को कैसे संभालेगा। ये थोड़ी देर को चुप रहे, फिर बोले, आनंद ठीक ही कहता है, इन लोगों को आप जब तक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराएंगे, इन्हें अक्ल नहीं आएगी। जिम्मेदारी तो खैर बात की बात है, पर ममता भी तो कोई चीज़ होती है। बड़े आराम से वहाँ बैठे बैठे कह दिया कि हफ्ते भर के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या एक बार बच्चों को देखने का भी मन नहीं किया होगा? मैंने तो कहा भी कि यहाँ आ जाओ, घड़ी भर बच्चों के साथ बैठ लो, तो बोली, मम्मी बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह ही निकलना है और अभी मेरी सारी पैकिंग बाकी है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, माया मोह इन्हें कुछ व्याप्ता ही नहीं, करियर के पीछे मरी जाती हैं। इससे तो अच्छा था इसे बीए एमए ही करवा कर शादी कर दी होती। अब कह रही हो, उस वक्त तो उसके करियर को लेकर तुम ऊंचे सपने देखती थी, उसकी उपलब्धियों पर फूल ही नहीं समाती थी। पता है, बहन की गृहस्थी का हष्ट देखकर ही आनंद ने निर्णय लिया था कि मुझे प्योरली हाउसवाइफ चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट भी चलेगी? सच, फर्स्ट क्लास एमएससी है नेहा, पर घर में ही खुश है। ऐश्वर्या के जन्म के बाद तो उसकी दुनिया और भी छोटी हो गई है। घड़ी ने 10 बजाए तब जाकर होश आया कि हम लोग 45 मिनट से खाने पर बैठे हुए हैं। खाना तो कब का खत्म हो गया था, पर हमारी बातें, हमारा बिसूरना खत्म नहीं हो रहा था। मैंने टेबल समेटा, खाना उठाकर फ्रीज में रखा, पानी की बोतलें भरी, फिर गैस पर दूध चढ़ाकर ताला डालने चली गई। गेट बंद करके बच्चों की बॉटल्स भरी। 10 बजे उन्हें आखिरी फीड देती हूँ, नींद में ही अच्छे से पी लेते हैं। फिर दोनों को सूसू करवा कर सुला दिया। उनकी कॉट के पास खड़े होकर देर तक उन्हें निर्निमेश देखती रही। इतने प्यारे बच्चे हैं, पता नहीं माँ इन्हें देखे बिना कैसे रह लेती है। शादी के 5 साल तक जब घर में किलकारी नहीं गूंजी, तो अमृता, कार्तिक समेत हम सब हताश हो चले थे। फिर मैंने ही पहल की और उसे लेकर पता नहीं कितने डॉक्टरों की खाक छानी, कितना महंगा इलाज करवाया, कितनी मनौतियां मानी, तब जाकर भगवान ने यह सौगात दी है। जब पहली बार सोनोग्राफी में पता चला कि ट्विन्स हैं, तो मुझे बहुत चिंता हो गई थी। एक बच्चा पालना ही आफत है, नौकरी के साथ यह लड़की दो दो बच्चों को कैसे संभालेगी। उन दिनों उसकी सास भी बड़ी बहू की दूसरी जजगी के लिए अमेरिका गई हुई थी। तब यह पता नहीं था कि बच्चे तो मुझे पालने हैं, अमृता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने तो 1 महीने बाद ही ऊपर का दूध शुरू कर दिया था। मैंने भी सोचा, ठीक है, 2 महीने बाद उसे ऑफिस जाना पड़ेगा, बच्चों को फीड कैसे करा पाएगी। 1 महीना वह मेरे यहाँ से ही ऑफिस जाती रही। इस दौरान उसने अपना दूध देना एकदम ही बंद कर दिया। 3 महीने बाद बोली, मम्मी अब मैं अपने घर जाऊंगी, यहाँ से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। कार्तिक भी परेशान हो रहे हैं, पहले आया वगैरह का इंतज़ाम तो कर लो, अपनी सास को भी बुला लो। अब तो रेखा की बच्ची भी साल भर से ऊपर की हो गई है। नहीं मम्मी, बच्चे तो यहीं रहेंगे,
तुम्हारी तरह मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगी। यहाँ रहेंगे तो मैं निश्चिंत रहूंगी। वीकेंड पर हम लोग आ जाया करेंगे। मैंने सोचा अपने बच्चे कौन इस तरह छोड़ता है, महीने दो महीने में खुद ही आकर ले जाएगी। पर कहाँ, बच्चे 2 साल के हो चले हैं पर वही साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, कार्तिक की जिद पर एक फर्क जरूर हुआ। पहली सालगिरह के बाद अब बच्चे वीकेंड पर अपने घर जाने लगे हैं। अमृता इस पर बहुत बौखलाई थी। बोली, इनकी सन की सोल्जर को मेरा आराम खटक रहा है। यह नहीं सोचते कि 5 दिन दफ्तर में खटती रहती हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आकर ही मुझे आराम मिलता था, अब वह भी हवा हो गया। कार्तिक बोला, अपने आराम की ही सोचती रहोगी, जरा मम्मी के लिए भी तो सोचो, ये उनकी उम्र है बच्चे पालने की, उन्हें हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक तो दो। कार्तिक शुरू से ही इस व्यवस्था के खिलाफ था। हर हफ्ते ससुराल में आकर टिकना उसे अच्छा नहीं लगता था। बच्चों का मुंह ना होता तो शायद वह आता भी नहीं। जिस दिन पहली बार बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर गए, मुझे लगा था मैं उनकी याद में रात भर सो नहीं पाऊंगी, पर उस रात मैं इतनी गहरी नींद सोई जैसे बरसों की जागी हूँ। अमृता, कार्तिक वीकेंड पर आते भी थे तो बच्चों को मुझे ही देखना पड़ता था, वे लोग बस उनके साथ खेलते रहते थे। बच्चों के काम के साथ मुझे बेटी दामाद के खाने पीने का सरंजाम भी करना पड़ता था। कल को उन्हें ऐसा ना लगे कि हमेशा आने से हमारा मन कम हो गया है, मम्मी बोर हो गई हैं। शायद इसीलिए उस रात मैं सारी चिंताओं से मुक्त होकर घोड़े बेचकर सोई थी। कार्तिक ठीक कहता है, अब मेरी उम्र बच्चे पालने की नहीं है। जब अपने बच्चे पालते हैं तो शरीर में शक्ति होती है, मन में उमंग होती है। नाती पोतों को थोड़ी देर को खिलाना और बात है, पर माँ बनकर पालना बहुत मुश्किल है। यह मुश्किल काम मैं साल भर से कर रही थी, एक नहीं 2-2 बच्चों की सार संभाल कर रही थी, इसलिए बेहद थक गई थी। अब तो ये हाल है कि सोमवार से ही शुक्रवार की प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उन 2 रातों की नींद और 2 दिनों का आराम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बेटी की बरसों बाद गोद भरी थी, यह खुशी की बात थी। बच्चे भी बहुत प्यारे थे, पर मेरी क्षमता की भी एक सीमा थी। बच्चों के जन्म के 8 महीने बाद ही उनके नाना जी रिटायर हो गए थे। नौकरों चाकरों की थोड़ी सी सुविधा थी जो खत्म हो गई थी। अब दफ्तर का पुराना चपरासी सुबह शाम खाना बना दिया करता था। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े के लिए मेहरी लगी हुई थी। बच्चों के लिए मुझे दिन भर की आया भी रखनी पड़ी, जो मेरा काम काफ़ी हल्का कर देती थी। मैं इन दिनों आतुरता से शुक्रवार की प्रतीक्षा करने लगी थी, पर इस बार उस पर तुषारापात हो गया। मुझे एक अजीब सी थकान ने घेर लिया और मैं बेवजह चिड़चिड़ाने लगी। एक बार तो मेरे मुंह से निकल ही गया, बच्चों की दादी भाग्यवान है, अमेरिका में मजे कर रही हैं, यहाँ हम परेशानियों से जूझ रहे हैं। बच्चों की दादी को दोष मत दो, ये बोले, कार्तिक तो कब से उन्हें बुलाने की जिद कर रहा है। उसने अमृता से कहा भी कि तुम महीना 15 दिन की छुट्टी लेकर बच्चों के पास रहो, माँ को उनका टाइम टेबल समझा दो, तब तक बच्चे भी माँ से हिल जाएंगे। तो तुम्हारी बेटी ने क्या जवाब दिया जानती हो? बोली कि मुझे अपने बच्चों को गंवार नहीं बनाना है। क्या बात करते हैं, कार्तिक से पूछ लेना, वह कह रहा था कि पापा जी हम आपको कहाँ से गंवार लगते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, बड़े भैया डॉक्टर हैं और अमेरिका में इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीदी मेरी MA PhD हैं और हम सबको इसी माँ ने पाला है। पिता नहीं थे पर उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर हमारी शिक्षा दीक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी चौकसी बरती, अच्छे संस्कार दिए, नहीं तो बिना बाप के रईस जादों को बिगड़ते क्या देर लगती है। ठीक कहा उसने,
पर यह लड़की इतनी बेवकूफ होगी मैंने कभी सोचा भी ना था। कार्तिक तो इतना शर्मिंदा हो रहा था, बोला, पापा जी हम लोग आप पर भी अन्याय कर रहे हैं और बच्चों पर भी। इस उम्र में आपको यह भारी जिम्मेदारी दे दी है, उधर बच्चों को हम उनका घर उनका हक नहीं दे पा रहे हैं। अपने लव कुश को देखने के लिए माँ अलग फड़फड़ा रही हैं, पर क्या करूं, अमृता की जिद के आगे मजबूर हूं। सच अमृता पर इतना गुस्सा आया कि सामने होती तो मैं उसकी अच्छी खबर लेती। गुरुवार की सुबह निकलने से पहले उसका फोन आ गया, फिर मुंबई पहुंचने पर भी आया। प्लेन आधी रात को है, पर तुम चिंता मत करना, कार्तिक साथ है। बच्चों से बात करना चाह रही थी, मैंने रिसीवर हाथ में दिया भी, पर वे खिलौनों की तरह उससे खेलने लगे। खिलौने वाले टेलीफोन पर हेलो हेलो करते रहते हैं, पर सचमुच का फोन उन्हें समझ में नहीं आया। हार कर उसने बंद कर दिया। ब्रेकफास्ट के समय मैंने इनसे कहा, सुनिए एक प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम? शनिवार को मेरी किटी है, क्या करूं, मना कर दूं? इस बार कोई और ले लेगा। नहीं ऐसा मत करो, साल में एक बार टर्न आता है, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो उस दिन छाया की छुट्टी कैंसिल कर दो। छाया से तो मैंने पहले ही कह रखा है, दिन भर यहाँ रहकर मेरा हाथ बटाएगी। बलराम भी रहेगा, इसलिए मैंने सेकंड सैटरडे चुना था कि उसकी ऑफिस की छुट्टी रहेगी। ये दोनों मेरे साथ रहते तो कोई परेशानी नहीं थी, पर छाया को तो अब स्पेयर नहीं कर सकती ना। ऐसा करो मैं बच्चों को लेकर ऊपर गेस्ट रूम में बैठा रहूँगा, तुम बीच बीच में छाया को भेजती रहना। बेचारे मुझे इन पर इतना प्यार आया और दया भी, कभी अपने बच्चों को भी गोद में नहीं उठाया होगा, पर अब नवासों को बोतल भी पकड़ा देते हैं, मजबूरी में नैपी भी बदल देते हैं। लोग कहते हैं मूल से सूद प्यारा होता है, पर मैं इन्हें जानती हूँ, ये सिर्फ कर्तव्य भावना से मेरी मदद करने की लिहाज से ये सब करते हैं। तुम्हारी किटी तो जैसे तैसे हो ही जाएगी, पर मेरे संडे क्लब का क्या होगा? अरे हाँ इस बार तो फैमिली गेट टुगेदर है ना, मैं तो इन लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी, आप चले जाना। मैं भी नहीं जाऊंगा, लोग फिर तुम्हारे लिए पूछेंगे और 100 तरह की बातें होंगी। बातें तो खैर होती ही होंगी, बच्चों के जन्म के बाद से हमारी सोशल लाइफ एकदम खत्म सी हो गई है, इन लोगों को लेकर कहीं जाना संभव नहीं होता। आया को साथ लेकर जाओ तो बड़ा आडंबर सा लगता है, घर पर ही कोई मिलने आ जाता है तो मैं 5 मिनट उनके पास शांति से बैठ नहीं पाती। लोग अक्सर शाम को ही आते हैं और शाम को छाया घर चली जाती है। भूख से और कभी नींद से बच्चे शाम को खिन-खिन करते रहते हैं। मैंने तो सबसे कह रखा है कि मेरे यहाँ आना हो तो शनिवार रविवार को ही आइए। यही 2 दिन होते हैं जब हम एकाध सोशल कॉल निपटाते हैं, शॉपिंग करते हैं या कभी कभार पिक्चर देख लेते हैं। कई बार मन होता है कि कहीं ना जाऊं, बस शांति से लेटी रहूं, पर काम की लंबी फेहरिस्त मुझे आराम भी नहीं करने देती। 7 दिन बस चकर घिन्नी सी घूमती रहती हूँ। मेरी सखियाँ कहती हैं, मिसेस पंडित आपकी फिटनेस का राज है ये अनादि अनंत। हंस कर रह जाती हूँ, फिट ना रहूँ तो क्या करूँ, आजकल तो बीमार पड़ते भी डर लगता है कि मेरे पीछे इन बच्चों को कौन देखेगा। शुक्रवार रात सारे काम निपटा कर मैं गेट का ताला डालने जा रही थी कि कार्तिक की गाड़ी आकर रुकी। मैं तो पिछले 2 दिनों में उसका अस्तित्व ही भूल गई थी। चिंता थी तो अमृता की, गुस्सा था तो अमृता पर। हमेशा की तरह उसने गाड़ी बाहर ही पार्क की, भीतर आते हुए बोला, अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, नहीं तो रात गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती। क्या बात करते हो, गेट पर बेल है और तुम्हारे पास मोबाइल भी तो है। दरअसल
उससे बात करते हुए मैं मन ही मन जायजा ले रही थी कि फ्रिज में क्या क्या है, आटा बना हुआ है कि नहीं। इतनी रात गए कुछ भी बनाने का बड़ा आलस आ रहा था, पर घर का दामाद था वह, उसे भूखा तो नहीं सुला सकती थी। मैं किचन में जाने लगी तो उसने पीछे से पुकार कर कहा, मम्मी जी प्लीज़ किचन में मत जाइए, मैं खा कर आया हूँ। ये तो गलत बात है भाई, हर बार यहीं तो खाते हो, फिर आज ऐसा क्यों? फ़ोन कर देते तो हम रुके रहते। आपने भी तो फ़ोन नहीं किया, दरअसल आपने मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपका सारा कंसर्न अपनी बेटी के लिए है, इस गरीब को कौन पूछता है। मुझे बहुत शर्म आई, वह ठीक ही कह रहा था, मुझे एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया था, यह भी नहीं सोचा कि घर पर अकेला बोर हो रहा होगा। अपने को बचाते हुए मैंने कहा, सच बताऊं, मैं तुम दोनों को अलग अलग सोच ही नहीं सकती, दिमाग में यही रहा कि तुम दोनों गए हो। पापा जी कैन यू बिलीव इट, ये हंस दिए, मुंबई तक तो गए ही थे ना, लौटने की तो हमें खबर ही नहीं मिली। मैं तो सुबह ही लौट आया था, मेरी छुट्टी थोड़े ही थी। फिर मुझसे पूछा, चुन्नू मुन्नू सो गए क्या? वे तो 9 बजे ही सो जाते हैं, जगा दूँ तो नाराज तो नहीं होंगी? परेशान करेंगे तो मैं संभाल लूँगा, तब तक आप कॉफ़ी बना लीजिए प्लीज़। कॉफ़ी बनाकर लाई, तब तक ड्राइंग रूम में खिलौनों का ढेर लग गया था। दोनों बच्चे कार्तिक की गोद में चढ़े हुए थे, एकदम खुश और चुस्त, नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। नानी पापा गाली, एक ने अपनी मोटर दिखाते हुए कहा। नानी चाय पीना, दूसरे ने फरमाइश की। अरे अब तो ये पूरा वाक्य बोलने लगे हैं, कार्तिक ने खुश होकर कहा। मैं जब भी आता हूँ इनके शब्द कोश में 2-4 शब्दों की बढ़ोतरी ही पाता हूँ। 2-4 महीने और रुक जाओ, फिर तो किसी को बोलने ही नहीं देंगे। कार्तिक मज़े से कारपेट पर पसर कर बैठा था, बच्चे उसे खूंद रहे थे, प्यार कर रहे थे, और वह उनके अत्याचारों का आनंद ले रहा था। समझ गई कि बच्चों के लिए ही वह इतनी रात गए भागा भागा आया है, कोई और होता तो दिन की भागम भाग के बाद घर पर सो रहता। उनकी बाल लीलाओं को देखना अच्छा लग रहा था, पर मेरी पलकें झपकने लगी थी, ये तो कब से सोने चले गए थे। मैंने क्षमा याचना के स्वर में कहा, कार्तिक मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू सोने लगे तो मुझे जगा लेना। आपको क्यों जगाऊंगा, बच्चे मेरे पास सोएंगे, अरे गिर गिरा जाएंगे। वैसे उनकी कॉट भी अब छोटी पड़ने लगी है, पर 2 के लायक तो कमरे में जगह ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं तकिए वगैरह लगा लूँगा, आप बस एक रबर बिछा दीजिए। सुबह चाय पीते हुए उसने कहा, मम्मी जी कल रात यहाँ आते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, पर बच्चों की याद मुझे खींच लाई। पर उससे भी बड़ा कारण यह था कि मैं आपको रिलीज़ करना चाहता था। मुझे मालूम है आपके पास यही 2 दिन होते हैं जब आप अपना कोई प्रोग्राम बनाती हैं, तो मेरा कहना है आप निसंकोच अपना प्रोग्राम फॉलो कीजिए, घर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाहर के सारे कार्यक्रम निपटा लीजिए। वैसे आज तो कोई बाहर का कार्यक्रम नहीं है, घर पर ही मेरी किटी पार्टी है, ससुर जमाई मिलकर इन शैतानों को देख लोगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। इनकी आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं और पापा जी इन्हें लेकर पार्क में चले जाएंगे, यहाँ भी कुछ करना हो तो बताइए, आपका ड्राइंग रूम जमा दूँ, चाइनीज़ के लिए सब्जियाँ काट दूँ, सलाद का डेकोरेशन कर दूँ। अरे तुम इन बच्चों को संभाल लोगे, यही बहुत बड़ा काम होगा। पर वह चुप नहीं बैठा, मुझसे अलमारी की चाबी लेकर उसने ड्राइंग रूम का कायाकल्प कर दिया, पर्दे कुशन कवर्स टेबल क्लॉथ सब बदल डाले, 2-3 तरह से गुलदान सजा दिए, घर भर की कुर्सियां लाकर करीने से जमा दी, पीतल के 100 पीसेस को ब्रासों से चमका दिया, शीशे की अलमारियों को कॉलिन से साफ किया, किताबें तरतीब से जमा दी,
मैंने देखा तो मज़ा आ गया। इतनी मदद तो कभी अमृता के पापा ने भी नहीं की, मैंने कहा। अमृता ने की थी? इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। ड्राइंग रूम से फुर्सत पाकर उसने क्रॉकरी का मुआयना किया, प्लेटें चम्मच गीले कपड़े से पोंछ कर टेबल पर जमा दिए, एक छोटी मेज पर गिलासों का एक खूबसूरत परफॉर्मेंस बनाया, दो धूपदानों से सुगंधित अगरबत्तियां खोज दी, वॉश बेसन पर नए नैपकिन्स लटकाए, साबुनदानी का साबुन बदला। मैं तो हैरान थी। कार्तिक, तुम्हें तो लड़की पैदा होना था। वह हंस दिया। माँ के साथ करवाता रहा हूँ ना, दीदी की शादी के बाद घर में हम दोनों भूतनाथ ही थे, फिर बड़े भैया भी पढ़ने बाहर चले गए, इसलिए मैं सब सीख गया, सीखना ही पड़ा। 4 बजे बच्चों के पापा और नाना बाहर चले गए। मेरे लिए कोई टेंशन नहीं रहा, मेरी पार्टी बहुत शानदार तरीके से संपन्न हो गई। यों तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि बच्चों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, पर मुझे इन पर भरोसा नहीं था। कार्तिक के आने से मैं एकदम निश्चिंत हो गई। शाम को लौटते ही उसने कहा, मम्मी जी, रात के खाने का कोई झंझट मत कीजिए, आपकी किटी का थोड़ा प्रसाद तो होगा ही, बाकी हम ले आएंगे। अब आप एकदम आराम कीजिए। सच, इतना आराम तो मुझे बरसों से नहीं मिला था। कार्तिक ने घर समेटने में भी मेरी बहुत मदद की। सोने से पहले घर अपनी पूर्व स्थिति में था। दूसरे दिन सुबह उसने फिर कहा, आप लोगों का जो भी प्रोग्राम हो आप कीजिए, घर की चिंता मत कीजिए। प्रोग्राम तो ऐसा कुछ नहीं था, शाम को क्लब में फैमिली गैदरिंग है, तुम भी चलो ना। ना मम्मी जी, वहाँ मैं बोर हो जाऊँगा और बच्चे साथ रहे तो आप भी एंजॉय नहीं कर पाएंगी, हम तीनों घर पर ही मस्ती करेंगे, क्यों चुन्नू, ठीक है ना? सो तो देख ही रही हूँ, तुम तीनों को अब चौथे की ज़रूरत ही कहाँ है। इन शैतानों को देखो, कल से तुम्हारे आसपास ही मंडरा रहे हैं, नानी को तो जैसे भूल ही गए हैं। नानी से तो रोज़ ही मिलते हैं, पापा से तो पूरे हफ्ते बाद मुलाकात होती है। मुन्नू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हफ्ते भर बाद मिलते हैं, फिर भी बच्चे तुमसे कितना हिले हुए हैं, खून की कशिश, इसी को तो कहते हैं। खैर, वो कशिश तो होगी ही, पर असल बात यह है कि वहाँ भी वे ज़्यादातर मेरे ही पास रहते हैं, इसलिए दोस्ती गहरी है। क्यों, मम्मी से नहीं पटती क्या? अब आप तो अमृता को जानती हैं, उसमें पेशेंस जरा भी नहीं है। अब बच्चे कोई चाबी वाला खिलौना तो है नहीं, उनका अपना मूड होता है, ज़रूरतें होती हैं, पर अमृता इन बातों को समझती नहीं है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। वैसे पिछले दिनों ऑफिस में वर्कलोड भी ज़्यादा था, इसलिए थक भी जाती थी। अच्छा है, इस टूर के बहाने 8 दिन अकेले रह लेगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। जानती हैं, आज दिन में 3 बार फ़ोन करके इन लोगों के हालचाल पूछती रही है। मैंने मन में कहा, अमृता तुम नहीं जानती कि तुम कितनी भाग्यवान हो, ऐसा समझदार और संवेदनशील पति हर किसी को नसीब नहीं होता। क्लब का परिवार सम्मेलन हमेशा की तरह खुशी भी दे गया और उदास भी कर गया। जहां साहब को एक कोने में अकेले चुपचाप बैठे देखा तो बरबस मिसेज झा का हंसता हुआ चेहरा याद आ गया। देश पांडे लोग बहुत बुझे बुझे से लगे। दूसरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया चला गया है, बच्चे माँ बाप को भी वहीं बुला रहे हैं, पर इन लोगों ने साफ कह दिया है जब तक दोनों साथ हैं कहीं नहीं जाएंगे, बाद में जो अकेला बचेगा उसे ले जाना। मिसेस मलकानी यूएसए से बहू की डिलीवरी करवा कर लौटी हैं, पोता पाकर बहुत खुश थी। सक्सेना लोग बेटे बहू को लेकर आए थे, नई नवेली सजीली शर्मीली बहू को देखकर आंखें जुड़ा गईं। मिसेस अवस्थी बेटी दामाद के साथ आई थी, अवस्थी जी के जाने के बाद पहली बार क्लब आई थी। जानकर अच्छा लगा कि वे धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हैं। लौटते समय मन इसी तरह हर्ष विषाद में ऊब डूब रहा था।
मैं अनवरत बोले जा रही थी। ये हमेशा की तरह चुप थे, पता नहीं मुझे सुन भी रहे थे या नहीं। भगवान सोच समझकर ही जोड़े बनाता है। दोनों ही बोलने वाले हुए तो दीवार के भी कान फट जाएंगे, और दोनों ही मौन व्रती हुए तो घर में सन्नाटा खींच जाएगा। घर पहुंचकर देखा, बच्चे वहीं कारपेट पर सो गए हैं। कार्तिक सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ है। घर में टीवी भी बंद है। कैसी रही आपकी सोशल मीट? उसने स्वागत किया। बहुत शानदार, तुम बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर क्यों होने लगा? 9 बजे तक तो ये लोग धमा चौकड़ी मचाते रहे, फिर आपकी मिस वर्ल्ड की सीडी देखता रहा, मजा आ गया। ऐश्वर्या की बात कर रहे हो? अरे ये नेहा और आनंद तो पागल हो गए हैं। एक हैंडीकैम क्या ले आए हैं, दिन भर फोटो ही खींचते रहते हैं। अच्छा है, इसी बहाने हम भी उसे देख लेते हैं। 1.5 महीने की लेकर आए थे, उसके बाद देखा ही नहीं है। छोटे 2 बच्चों को लेकर उतनी दूर का सफ़र करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, बड़े ही भावुक अंदाज में बोला, वे लोग कितने भाग्यवान हैं मम्मी जी, जो अपनी बिटिया को पल पल बड़ा होते देख रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं चला और हमारे बच्चे 2 साल के हो गए। मन में आया कि कहूँ, कार्तिक बच्चे एकदम बड़े नहीं होते, किसी न किसी को अपना दिन का चैन और रातों की नींद उन्हें देनी होती है। पर मैं चुप ही रही, नहीं तो वह सोचता कि एहसान जता रही हूँ। वैसे वह अपनी ही रॉ में कहे जा रहा था, मेरा एक दोस्त है मम्मी जी, उसकी बीवी ने तो तारीख वार हिसाब रखा हुआ है, कब पहली बार पलटी खाई, कब बैठना सीखा, कब पहला कदम रखा, कब पहला दांत निकला, कब पहला बोल फूटा, सब दर्ज है। और तो और पहली बार पलंग से गिरा था, उसकी भी तारीख नोट की हुई है। कार्तिक, पहले बच्चे के समय इन सब बातों का बहुत उत्साह रहता है, हमने भी अमृता के समय ये सारे चोंचले किए हैं। ये चोंचले नहीं है मम्मी जी, यादों को सहेजने का तरीका है यह। बुढ़ापे में जब माँ बाप अकेले छूट जाते हैं, तब यादों का यह जखीरा बड़ा साथ देता है। हम लोगों के पास तो सहेजने के लिए कुछ भी नहीं है। 8 दिन बाद मिलते हैं तो पता चलता है इस दौरान उन्होंने 4-5 नए शब्द सीख लिए, 2-4 नई कारगुजारियाँ उनके नाम पर दर्ज हो चुकी हैं। कितने बड़े अनुभव से हम लोग वंचित रह जाते हैं। ये लोग भी हमें माँ बाप की तरह क्या जानते होंगे, उनके लिए तो हम हफ्तावार मिलने वाले कोई भद्र लोग हैं बस। मैं कोई सांत्वना पर बात कहने जा रही थी कि भीतर से आवाज आई, 12:30 बज रहे हैं, अब महफिल समाप्त करो, कार्तिक को सुबह उठना है। लो भाई, कर्फ्यू ऑर्डर लग गया, अब गुड नाइट करो। बच्चों को मैं लेकर जाऊं? आप एक को ले जाइए, छुटकू को मैं ले जाता हूं, अनु को कॉट में सुलाते हुए मैंने कहा। कार्तिक बच्चों को लेकर कितना सेंटी हो रहा था, देखा? सेंटी? तुम भी बच्चों की तरह अमेरिकन इंग्लिश बोलने लगी हो क्या? सॉरी बाबा, कान पकड़े बस, आप बात तो सुनते नहीं हैं, शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। मैं सब सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि तुम भी समझ रही हो। पूरी शाम तुम दूसरों के सुख दुख में भीगती रही, और मैं सोच रहा था कि जो घर में हो रहा है वह तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। घर में क्या हो रहा है? मैडम, कार्तिक सिर्फ बच्चों को लेकर ही सेंटी नहीं है, माँ को लेकर भी उतना ही परेशान है, दुखी है। वे वहाँ ऊब गई हैं, पराए देश में, पराए वातावरण में उनका दम घुट रहा है। घर के बाहर उनकी कोई दुनिया ही नहीं है, क्योंकि भाषा नहीं जानती। भैया ने इतनी मुश्किल से एक ग्रीन कार्ड बनवाया है, पर वे वापस आने के लिए छटपटा रही हैं। कार्तिक बोला कि बच्चों का बहाना करके मैं उन्हें बुला सकता हूँ, पर अगर बच्चे ननिहाल में ही बने रहे तो बड़े भैया को क्या जवाब दूंगा? माँ अगर यहाँ से भी ऊबकर गाँव चली गई तो भाभी के सामने मेरी
क्या इज्जत रह जाएगी। ये उनका आपस का मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ तो करना होगा देवी जी, और वह आपको ही करना होगा। सुबह 5 बजे उठकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी, कार्तिक किचन में घुसा और बोला, अरे मम्मी जी, आपने तो मेरा सारा प्लान ही ध्वस्त कर दिया। सोचा था चाय पीकर चुपचाप निकल जाऊंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पर आप तो मुझसे भी बाजी मार ले गई। भला इतनी सुबह उठने की क्या ज़रूरत थी, रात भी लेट सोई हैं, थोड़ा आराम से उठती ना, बच्चे वैसे ही दिन भर आपको हलकान किए रहते हैं। बच्चे तो हलकान करते ही हैं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो क्या। वह चुप हो गया। मैंने कहा, बस 5 मिनट रुक जाओ, ये 2 पराठे उतार लेती हूँ, फिर चाय चढ़ाती हूँ। चाय तो मैं बना लूँगा, पर इतनी सुबह पराठे नहीं खा पाऊँगा, आप नाहक परेशान हो रही हैं। घर जाकर खा लेना, वहाँ जाकर भी तो ऑमलेट ब्रेड बनाओगे ही। उसने एक तरफ चाय का पानी चढ़ा दिया और बोला, माँ भी मेरे लिए इसी तरह मुंह अंधेरे उठकर पराठे सेका करती थी। मन हुआ कि कहूँ, मैं भी तो माँ ही हूँ, पर उसके बदले मैंने कहा, कार्तिक, आजकल माँ की बहुत याद आ रही है ना। उसने छिपाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, बोला, हाँ इस बार उन्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं ना, हर हफ्ते वेबकैम पर उनकी मुलाकात होती है, पर उससे ना उनका मन भरता है ना मेरा। इतने दिनों तक हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं रहे हैं ना। एक काम करो, माँ को बुला लो। वह चाय छान रहा था, एकदम चौंक पड़ा, चाय थोड़ी सी कप के बाहर छलक ही गई। मैंने जानबूझकर उस बात को अनदेखा किया और कहा, सच कह रही हूँ, माँ को बुला लो, वे 8-10 दिन मेरे पास रहेंगी, बच्चों से दोस्ती करेंगी, उनका टाइम टेबल समझ लेंगी, तब तक तुम एक अच्छी सी आया ढूंढ लेना, फिर बच्चों को और माँ को अपने घर ले जाना। वह कुछ देर तक इस प्रस्ताव पर सोचता रहा, फिर सूखी हंसी हंसकर बोला, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। वह मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है ना, फिर चिंता छोड़ दो, मैं बिटिया रानी से कह दूंगी, वी नीड अ ब्रेक भाई, हमारा भी मन बेटे के पास जाने को करता है, गुड़िया को भी दादा दादी के प्यार का हिस्सा मिलना चाहिए, फिर हाथ पैरों में ताकत है, आंखों में रोशनी है, तब तक थोड़ा घूम फिर लेंगे, बाद में तो लौट कर यहीं आना है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर भीगे स्वर से बोला, थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच, और तैयार होने चला गया। मैंने गेट का ताला खोला ही था और वह बैग लेकर बाहर आ गया। टाटा बाय बाय करके उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। 4 कदम चली ही होगी कि फिर पीछे लौटी। मैं घर के भीतर जा रही थी, गाड़ी को लौटते देख फिर रुक गई, शायद कुछ भूल गया है। उसने गाड़ी लाकर गेट की सीध में खड़ी की, खिड़की का कांच जरा सा गिराया और कहा, मम्मी जी, छुटकू ऊपर सो रहा है, ज़रा देख लीजिएगा। पल भर बाद ही गाड़ी सर्र से निकली और आँखों से ओझल हो गई। मैं देर तक लेकिन वहीं खड़ी रही, मेरे एकदम आंसू निकल आए थे और मैं कह रही थी, कार्तिक, काश तुम इन बच्चों की माँ होते। आशा है कि यह हृदयस्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।